नमस्कार, स्वागत है आपका सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और सत्यहिंदी.com का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से सोमवार से शनिवार मैं लाती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरें, खबरों के पीछे का विश्लेषण, उसके पीछे का सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कर्नाटका में BS येदियुरप्पा का एक कथित वीडियो सामने आया है और उसके बाद मच गया है हड़कंप। उधर शिवसेना का हमला, क्या राष्ट्रपति BJP के जेब में है? उधर दिल्ली में प्रदूषण में हल्का सुधार, लेकिन हालात अभी भी खराब। व्हाट्सएप जासूसी के मामले में सरकार कंपनी के दावों में विरोधाभास। और हमारी 5वीं बड़ी हेडलाइन, अर्थव्यवस्था धड़ाम, उत्पादन क्षेत्र 2 साल के न्यूनतम स्तर पर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली बड़ी खबर से, जो अभी थोड़ी ही देर पहले ही एक ब्रेकिंग न्यूज़ के फॉर्म में सब चैनल्स पर चली है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह हुबली में BJP की कोर कमेटी को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और कथित तौर पर उन्हें यह कहते हुए सुना गया है कि BJP के राष्ट्रीय नेताओं, जिसमें अमित शाह भी शामिल हैं, उनके निर्देश पर राज्य में ऑपरेशन कमल चलाया गया था। वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार BJP पर हमला कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 7 मिनट के वीडियो में CM येदियुरप्पा को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 17 बागी विधायकों के कारण हम सत्ता में हैं, या इनकी वजह से हम 3.5 वर्ष के लिए विपक्ष में होंगे। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो अब जब ये एक BS येदियुरप्पा का जो कथित वीडियो है जो ये वायरल हुआ है, आपको बता दें कि इसमें ऑपरेशन कमल का जो मेंशन किया गया है, तो ऑपरेशन कमल, आपको बता दें कि मई 2018 में जब कर्नाटका में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे और कांग्रेस और JDS की जब सरकार बनी थी, उसके बाद से ये ऑपरेशन कमल यानी कि ऑपरेशन लोटस का मेंशन हो रहा है। और कांग्रेस कई मौकों पर इस बात को कह चुकी है कि BJP के राष्ट्रीय नेता और BJP एज अ पार्टी इस कोशिश में लगी है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस और JDS कि जो सरकार है उसे गिरा दिया जाए। इसके पहले कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई थी जिसमें ये कहा गया था कि किस तरह से BJP के राष्ट्रीय नेता हैं वो MLAs की खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं। लेकिन जो ये वाला वीडियो, अब कथित वीडियो जो वायरल हुआ है BS येदियुरप्पा का, उसमें देखा गया है, ये 7 मिनट का वीडियो है जिसमें वो हुबली में एक कोर कमेटी को एड्रेस करते हुए वो MLAs से कह रहे हैं कि देखिए, ये सिर्फ मेरा डिसीशन नहीं था 17 MLAs को मुंबई लाने का, लेकिन इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि अमित शाह जो अभी गृहमंत्री हैं उनका डिसीशन था, उनकी देख दिखाव में, उनकी रख रखाव में इन MLAs को, जो 17 बागी विधायक हैं, उनको मुंबई भेजा गया था। तो अब आप ये जान सकते हैं कि ये कितना बड़ा खुलासा है कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के इंचार्ज है KC वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि इस वीडियो को अब उन्होंने गवर्नर को दिया है और गवर्नर के हवाले से इसे राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो ये बागी विधायकों का जो मामला ऑलरेडी अभी चल रहा है, क्योंकि ये केस पेंडिंग है, इसमें KC वेणुगोपाल ने कहा है कि इस वीडियो को वो एक एविडेंस के फॉर्म में, एक प्रमाण के रूप में वो कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गवर्नर को वो वीडियो दिया गया है तो इस पर गवर्नर क्या संज्ञान लेते हैं, राष्ट्रपति के पास वो पहुँचने के बाद क्या उसका होता है, BJP के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इस सब पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन जो अभी तक के जो आरोप थे कांग्रेस के कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो ED को, IT को, CBI को, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको विपक्ष के खिलाफ यूज़ कर रही है, और जितनी भी जो नॉन BJP गवर्नमेंट्स हैं यानी कि जो विपक्ष की जहां जहां सरकार है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, तो ये जो वीडियो है ये इस बात का सीधा सीधा एक प्रमाण है। लेकिन अब ये वीडियो कितना एडमिसिबल होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नर क्या इसे राष्ट्रपति को भेजेंगे, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इस सब पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन एक बार फिर से जो ये वीडियो BS येदियुरप्पा का वायरल हुआ है, इसमें साफ साफ इस बात का संकेत है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पूरा पूरा हाथ है उन बागी विधायकों को मुंबई भेजने में, और किस तरह से उन्होंने
एचडी कुमार स्वामी और बीएस और कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज किया था। आपको बता दें कि जब से ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ था तो बीजेपी की जो वहां की जो राज्य सरकार थी यानी कि बीएस येदुरप्पा के जो लोग थे वो इस बात का पूरा पूरा एफर्ट लगा रहे थे और केंद्रीय लीडरशिप की हेल्प से कि किस तरह से डीके शिव कुमार और एचडी कुमार स्वामी के हाथ धो के पीछे पड़ गए थे और ऑपरेशन कमल के तहत ये लगातार कोशिशें जारी थी कि किस तरह से उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए। और आज जो ये वीडियो वायरल हुआ है ये इस बात का पूरा पूरा संकेत है। आइए अब अपनी दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि अगर बीजेपी राज्य में सरकार बनाने में फेल हो जाती है तो शिवसेना सरकार बनाएगी। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि शिवसेना की कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन की कोई खिचड़ी पक रही है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद हुसैन दलवई ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि शिवसेना के नेतृत्व में बनने वाली सरकार को कांग्रेस एनसीपी गठबंधन समर्थन दे सकता है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी नेता सुधीर मुंगंतिवार के राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या? राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टैंप राज्य के बीजेपी कार्यालय में ही रखा हुआ है। तो जो एक बयानबाजी का जो सिलसिला हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं शिवसेना और बीजेपी के बीच में वो थमता नहीं नजर आ रहा है। कल जब प्रेसिडेंट रूल की जब बात कही संजय मुंगंतिवार में तो आज संजय राउत ने उसको पलट के कहा है कि क्या राष्ट्रपति आपके जेब में है और जो रबर ऑफ सील है जो प्रेसिडेंट सील है वो क्या आपके राज्य सरकार के ऑफिस में रखी हुई है। तो इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि 7 नवंबर तक अगर वहां पर कि सरकार का गठन होना है, नई सरकार का गठन महाराष्ट्र में होना है, तो सरकार कौन बनाएगा? आज जो पहले संकेत मिल रहे हैं, शरद पवार को सोनिया गांधी से मिलने आना था लेकिन उन्होंने एक दिन इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। इस समय वो मुंबई में बहुत सारे नेताओं से मिल रहे हैं और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शिवसेना के जो लीडर हैं संजय राउत, उन्होंने शरद पवार से एक मीटिंग की है, उनको एक संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एनसीपी का हाथ थामकर और सरकार बनाएंगे। तो यानी कि जो पीछे कहीं ना कहीं प्लान बी है इस समय वो एक्टिवेट हो गया है शिवसेना का। लेकिन बीजेपी किस तरह से अपने प्लान बी को एक्टिवेट करेगी अभी इस पर बहुत ज़्यादा बातें खुलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद बीजेपी भी अपने प्लान बी के तहत निर्दलीय जो कैंडिडेट्स हैं और जो छोटी पार्टियां हैं जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है और भी जो छोटी पार्टीज हैं उनके मदद से जो 145 का जो मैजिक फिगर है उसे कहीं ना कहीं कैसे भी वो क्रॉस कर सकती है। लेकिन इस पूरी अस्थिरता में जो एक इंस्टेबिलिटी इस समय दिख रही है और ये नहीं पता कि वहां पर सरकार किसकी बनेगी, ऐसे सिचुएशन के बीच में इस समय द गो टू मैन जो आपको मैं कहूं अगर अंग्रेजी के शब्दों में तो वो शरद पवार नजर आ रहे हैं। इस समय बीजेपी को भी शरद पवार भगवान के रूप में नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं और शिवसेना को भी, क्योंकि अगर उन्हें सरकार बनानी है तो शायद एनसीपी इस समय इंडिस्पेंसिबल है। लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो मिस्टर दलवाई ने जो कहा है सोनिया गांधी को एक पत्र में कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को शिवसेना का समर्थन करना चाहिए। लेकिन जो सोर्सेज हमें कांग्रेस के बता रहे हैं, कुछ लीडर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस विल शाय अवे फ्रॉम गिविंग अ डायरेक्ट सपोर्ट टू शिवसेना, यानी कि वो डायरेक्ट सपोर्ट शिवसेना को नहीं करेंगे क्योंकि वो लोगों के बीच में ये छवि नहीं देना चाहते हैं कि वो शिवसेना एक ऐसी पार्टी जिसको कांग्रेस हमेशा से क्रिटिसाइज करती हुई आई है आज उसका डायरेक्ट हाथ थामेगी। तो कहीं ना कहीं शायद अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट देगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो अभी तक शायद हम लोगों ने इस बात पर विचार नहीं किया और वो ये है कि आज शायद शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जिसने अमित शाह के जो स्टैचर को वाकई में चुनौती दी है, क्योंकि अभी तक अमित शाह को कोई भी चुनौती देने वाला ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं। लेकिन शिवसेना इस हालात में, जबकि उसकी 2014 से कम सीटें आई हैं, आज शिवसेना एक छोटी पार्टी ही भली हो महाराष्ट्र में लेकिन किसी न किसी तरीके से गृहमंत्री यानी कि अमित शाह के स्टैचर को एक बड़ी चुनौती दी है शिवसेना ने। तो इस बात पर गौर करिएगा और अपने सुझाव भी हमें लिखिएगा इस बात पर। अब अपनी तीसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दिल्ली में शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को प्रदूषण के स्तर में हवा की गति में तेजी आने के कारण कुछ सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को शाम 4 बजे जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 था जो शनिवार को 407 पर आ गया। हालांकि प्रदूषण का स्तर अभी भी बेहद खतरनाक ही है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद कर दिया था और राज्य में हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी थी। बता दें प्रदूषण को लेकर लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है जहां
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पंजाब हरियाणा सरकारों को दोषी बताया है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में प्रदूषण और पराली जलाने वाले मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि पंजाब में पराली जलाए जाने से प्रदूषण की समस्या बढ़ी है, लेकिन इसमें अकेला पंजाब जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दिल्ली में भी इंडस्ट्री, वाहनों आदि का कम प्रदूषण बराबर ही होता है। इसके इतर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वे तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पहले दिल्ली में जला रहे कूड़े पर अंकुश लगाए। तो जो एक पूरे इस प्रदूषण पर जो राजनीति है वो पूरी तरह से गर्मा चुकी है, और आज का जो डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, थोड़ा सा सुधार है, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि पिछले अभी सुबह से जिस तरीके का आसमान लोग देख रहे हैं, विजिबिलिटी बहुत पुअर है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो विंटर्स में, यानी कि जाड़े के टाइम में, जो बिल्कुल कोहरा हम, घना कोहरा हम जो सुबह देखते हैं, उस तरीके का माहौल दिल्ली के आसमान में इस समय दिख रहा है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, एनवायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन जो राजनीति है वो अपने चरम सीमा पर चल रही है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि पंजाब को दोष देने से अच्छा है कि जो केंद्र सरकार है वो इस पर कुछ कड़े कदम उठाए तो वो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पराली जलाने पर उन्होंने किसानों के लिए 100 रुपीज़ पर क्विंटल, यानी कि 100 रुपये पर क्विंटल का एक इंसेंटिव भी अनाउंस किया था, कुछ हरियाणा ने भी किया था, तो क्या केंद्र सरकार इस पर कुछ बोनस और नहीं ऐड कर सकती, उस पर भी काफ़ी सारे बातें हुई हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरी राजनीति है इस समय पोल्यूशन पर है। आज प्रकाश जावड़ेकर जो केंद्रीय एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी केजरीवाल को एक टारगेट करते हुए उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बहुत सारे स्कूली बच्चों से कहा है कि वो पत्र लिखें हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को, तो उन्होंने भी ये कहा कि केजरीवाल को मना करना चाहिए इस तरीके की चीज़ें करने के लिए, और फालतू की चीज़ें जो पोलिटिसाइज हो रही हैं उसे हमें कहीं ना कहीं डिस्करेज करना चाहिए। तो इस तरीके की राजनीति सामने आ रही है, लेकिन आज फिर वही मैं सवाल खड़ा कर रही हूं कि जो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, जो GRAP जो 15 अक्टूबर से लागू किया गया था, आज उसकी क्यों कोई नहीं बात कर रहा है, हम क्यों नहीं आज ये बात कर रहे हैं कि GRAP इमरजेंसी मेजर होने के बावजूद आज इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था, रोक लगाई थी कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, उस पर भी पटाखे जलाए गए, लेकिन जो एयर क्वालिटी है वो दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। तो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स टेक्नोलॉजी से इम्प्रूव हो गए, लेकिन GRAP का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी आज कोई बात नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि जो GRAP का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को जो रोकने वाले जितने सोर्सेज हैं उनको रोक दिया गया है, ट्रैफिक ओवरलोड की कमी देखी गई है, ऑड इवन अभी लागू हो जाएगा 4 नवंबर से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। तो इस तरीके के जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स किया गया है, इस तरीके के इनिशिएटिव्स को इन्फोर्स किया गया है, लेकिन बात वहीं पर आती है कि क्या हम GRAP की भी ऑडिटिंग करते हैं, क्या हम कभी पूछते हैं कि GRAP अगर लागू हो गया तो कितना इफेक्टिव है, क्या वाकई में हम चीज़ें ऑन द ग्राउंड देख रहे हैं, शायद नहीं। आइए अब अपनी चौथी खबर की ओर रुख करते हैं। व्हाट्सएप यूजर्स की जासूसी के मामले में असल बात क्या है, यह किसी के सामने नहीं आ पा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि मोदी सरकार और व्हाट्सएप के दावों में विरोधाभास है। व्हाट्सएप ने शुक्रवार को कहा है कि उसने भारत और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को मई में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर जानकारी दी थी। व्हाट्सएप का कहना है कि उसने इस मुद्दे को हल भी कर लिया था और जिन लोगों को निगरानी की गई उन तक पहुंचने की कोशिश भी की थी, लेकिन अखबार के मुताबिक सरकार के एक भरोसेमंद सूत्र ने व्हाट्सएप के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सूत्र ने कहा है कि मई में व्हाट्सएप की ओर से जो जानकारी दी गई थी वह तकनीकी शब्दजाल जैसी थी और इस प्लेटफॉर्म ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इंडियन यूजर्स की गोपनीयता से कोई समझौता किया गया था। कुल मिलाकर इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि यूजर्स की निजता में किस तरह सेंध लगी है, क्योंकि सरकार और कंपनी के दावों में अंतर है। तो अब इस बात का फैसला कौन करेगा कि कौन सही है और कौन गलत, क्या व्हाट्सएप झूठ बोल रहा है या जो मौजूदा सरकार है वो झूठ बोल रही है। व्हाट्सएप ने तो कह दिया है कि उन्होंने सरकार, जो भारत की सरकार है, उससे 4-5 महीने पहले उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने बताया था कि किस तरीके का जो एक प्राइवेसी इशू आ रहा है वो उन्होंने सब सरकार को बताया था, लेकिन सरकार के एक सूत्र के हवाले से जो आज खबरें आ रही हैं छन-छन कर, उसे ये पता चला है, और सरकारी सूत्र ने ये कहा है कि वो तो टेक्निकल जार्गन था, यानी कि जो शब्द जाल था उसमें कहीं पे क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया था कि पेगासस नाम का एक मैलवेयर है जो कि लोगों के फोन्स में वीडियो कॉलिंग के जरिए इंस्टॉल हुआ है,
और इस तरीके से लोगों की प्रिवेसी में ब्रीच हुआ है। तो सरकारी सूत्र का ये कहना है कि उन्होंने इस बात का बिल्कुल मेंशन नहीं किया था। लेकिन एक और जो इन्फॉर्मेशन आ जा रही है कि सरकारी सूत्रों ने आज एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। उन्होंने कहा था कि सर्ट इन जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है उससे उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिससे ये पता चले कि जो ट्रेसिबिलिटी का इशू है वो सारे तमाम इशूज़ हैं वो सर्ट इन को बताए गए थे। अब आपको बता दें कि जो जितने भी अभी सोर्सेज हैं, सर्टेन ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इन सारी चीज़ों को देखरेख करती है, तो इस समय लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि व्हाट्सएप सही है या सरकार सही बोल रही है। इस समय दोनों अपना पल्ला झाड़ते से दिख रहे हैं, लेकिन ये मामला यूएस के फेडरल कोर्ट में चल रहा है और 20 देश हैं, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 20 देश के 1400 लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक हुए हैं। तो ये कोर्ट जैसे जैसे जो कोर्ट हियरिंग है जैसे जैसे प्रोसीड करेगी उसमें पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भारत सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना होगा कि इतनी बड़ी प्रिवेसी का ब्रीच कैसे हुआ है। खबरें ये भी आ रही है कि अभी जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट होगा उसमें शायद प्रिवेसी एक्ट लाया जाएगा और उसमें क्या प्रावधान होंगे उसे देखना पड़ेगा। लेकिन जो मूल बात इस समय यह है कि व्हाट्सएप चाहे जो भी कहे, लेकिन बिना सरकार के जाने बूझे, सारे एक्सपर्ट्स इसी बात को कह रहे हैं कि बिना सरकार की कनाइवेंस के, बिना सरकार के जाने, इतना बड़ा मैलवेयर या सॉफ्टवेयर वो भी टारगेटेड इंटरवेंशन के लिए यूज नहीं किया जाता। हमारे साथ कल satyahindi.com पर एक एक्सपर्ट भी आए थे जिनसे मैंने बातचीत किया और उन्होंने कहा कि स्प्री फिशिंग एक टर्म होता है जिसमें कि हम लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे यहाँ पर 30-40 जो लोग हैं जिसमें कि जर्नलिस्ट्स हैं, जिसमें कि वकील हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको टारगेट किया गया है, उनको स्पेसिफिकली, तो वो बिना सरकार के निर्देश के या बिना सरकार की जानकारी के नहीं हो सकता है। तो अगर व्हाट्सएप की जवाबदेही बनती है तो उतनी ही जवाबदेही मौजूदा सरकार की भी होगी और आने वाले विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में शायद ये बहुत बड़ा मामला बन सकता है। विपक्षी दल शायद इसको उठाएंगे और जो पूरा मामला है प्राइवेसी ऑफ ब्रीच का वो एक बार फिर से सामने आएगा। आइए अब अपनी पांचवी खबर की ओर रुख करते हैं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है और मंदी की ओर तेजी से बढ़ रही है। नए नए आंकड़े और तमाम आर्थिक इंडिकेटर्स इसी सच की ओर इशारा करते हैं। ताजा आंकड़ा यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी उत्पादन क्षेत्र 2 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। IHS मार्केट इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI इंडेक्स अक्टूबर में 50.6 पर जा पहुंचा है। यह 2 साल का न्यूनतम स्तर है। इसके एक महीने पहले PMI 51.4 पर था। तो यानी कि अर्थव्यवस्था का एक और इंडिकेटर सामने आया है और एक सीधा सीधा जो संकेत है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और जिसके वजह से जो फैक्ट्री का उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब आपको बता दें कि जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI है वो 2 साल के सबसे निचले स्तर पर देखा गया है, 50.6 जो अभी अक्टूबर में देखा गया है, जबकि सेप्टेम्बर में जो ये आंकड़ा था 51.4 था। अब इस PMI इंडेक्स के लिए एक सर्वे हुआ था जिसमें कि 400 सेक्टर्स को हमने देखा था, जिसमें कि सेल्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर पाई गई और ये जो इंडेक्स आया है PMI का, ये ठीक 24 घंटे बाद आया है जब एक गवर्नमेंट का जो डेटा, एक सरकारी डेटा ने ये बताया था कि जितने भी कोर सेक्टर्स हैं यानी कि कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक निचली ग्रोथ देखी गई है जो कि 5.2% पे देखी गई है। तो जो ये सरकारी डेटा आया है जो अलग अलग सेक्टर्स का, जिस जो भी कि मैंने अभी आपको गिनाया, कोल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये ठीक 24 घंटे बाद ये मैन्युफैक्चरिंग का ये डेटा सामने आया है। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल निचले स्तर पर है और अब आपको बता दें कि जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक जो फिगर है वो कहा जा रहा है कि 12 नवंबर को आएगा, तो उस पर निगाहें टिकी होंगी और जाहिर सी बात है कि जो अभी का जो ये डेटा है 2 महीने का, अगर वो खराब है तो जो 12 नवंबर को डेटा होगा वो बहुत ज्यादा उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती की बात हम इतने दिनों से आपको लगातार बताते आए हैं वो अभी भी कायम है और सिर्फ भारत में ही नहीं, तमाम देशों में ये चीजें दिख रही हैं। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या सरकारें उतनी तेजी से ही कदम उठा रही हैं अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए? शायद उतनी तेजी सरकार के इनिशिएटिव्स में नहीं दिख रही है। मेरी ओर से 5 बड़ी खबरों में इतना ही। मेरे ट्विटर हैंडल @neelu317 पे जरूर लिखिएगा, बताइएगा मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा। मैं सुनाती रहूंगी आपको सच, क्योंकि आपको जानना चाहिए सच। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए
बेल आइकन दबाएं।